उमरकोट में पेशी दौरान सेशन कोर्ट आडो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एमपीए हलीम आदिल शेख चयो त मूं ते नवाब तैमूर टालपुर एसएसपी उमरकोट ऐं ॿियनि हमलो कयो हो ऐं हुननि ते केस दाख़िल थियण बजाए मूं ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। आउं को कुंडरी में सियासी दौरे ते न बल्कि रेल हादसे जे फौत थींदड़नि जी जनाज़े नमाज़ ते आयो हुयुसि। हिन चयो त अदालत मां उमेदूं आहिनि ऐं अदालत जे हुकुम ते नवाब तैमूर टालपुर एसएसपी उमरकोट ऐं टाउन चेयरमैन कुंडरी शकील नाजवाती ते केस दाख़िल थी वियो ऐं असांखे अदालत जा चकर कटाईंदड़ खे बख़्शियो न वेंदो। हिन चयो त एसएसपी उमरकोट मंशात फरोश आहे, जंहिंजी शिकायत आईजी सिंध पिण मुल्क जे वज़ीर आज़म खे करे छॾी आहे ऐं हू पीपल्स पार्टी जो वंगारी आफिसर आहे, इन करे उमरकोट में पीपी मुखालिफ़नि ते कूड़ा केस दाख़िल करे रहियो आहे। आईजी सिंध ने लिखा के एसएसपी उमरकोट ने जस्टिस गुलजार की गाड़ी को उसकी मोबाइल ने जाके टक्कर मारी। गाड़ी भी दी थी कमदारी के अंदर, सीएम साहब के हलके के एमएनए साहब राव पोटर साहब को कमदारी में उमरकोट की गाड़ी थर गई हुई थी। जस्ट टक्कर भी किसको मारी जाके, जस्टिस गुलजार की गाड़ी को। उसके अंदर यह भी लिखा कि जी पूंजो भल पूंजो भील ने भी जो केस था उसके अंदर भी उसको छोड़ा गया उस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन सिंध हुकूमत ने तो लिखा ही हमें चाहिए सिंध हुकूमत को, जैसे कहते हैं जैसे खुद वैसी उनकी पसंद। उन्होंने कहा कि जी हमें इसको हम नहीं निकाल सकते, कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं समझता हूं ये जो काली भेड़े हैं, ये जो पुलिस वर्दी में जो पुलिस की बदनामी का बाइस जो लोग बन रहे हैं, इंशाल्लाह इनको पुलिस सर्विस में नहीं रहना चाहिए। इन वधीक चयो त मुख्य असेंबली में आवाम जे हक़न बाबत ॻाल्हाइण जी सज़ा ॾिनी पई वञे, पर आऊं कप्तान जो खिलाड़ी आहियां, पोइते न हटंदुसि। मदन गोपाल बेराणी, इम्कान टीवी, उमरकोट। इम्कान टीवी जे यूट्यूब चैनल जा वीडियोस ऐं नोटिफिकेशन हासिल करण लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन दॿाइण न विसारियो।